बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के तमाम स्टूडेंट्स, जिनमें गोल्डन चांस वाले स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है कल लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने। स्पेशल एग्ज़ाम्स की सूरत में जो स्टूडेंट्स से ज़्यादती की जा रही है, जो स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने धरना देना है कल। और जो जो स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के तमाम स्टूडेंट्स जो एक्स हैं, जो गोल्डन चांस वाले हैं, जितना इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं, तो कल 8 बजे से स्टूडेंट्स ने धरना जो है वो स्टार्ट करना है। और गवर्नर हाउस के सामने लाहौर में ये कल प्रोटेस्ट होगा। तो इंशाल्लाह कल एक काफ़ी अच्छा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के खिलाफ जो स्पेशल एग्ज़ाम्स लिया जा रहा है 21 जनवरी से जो स्टार्ट हो रहा है, कि वो स्टूडेंट से ना लिया जाए। स्कूल, कॉलेज, अकेडमीज वगैरह बंद थे, तो स्टूडेंट्स किस तरह तैयारी करेंगे, किस तरह वो तैयारी कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए, अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो हम किस तरह पेपर दें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी पेपरों के खिलाफ, जो अभी आपको पता है रवायती पेपर लिए जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी ऑलरेडी जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है लाहौर में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस प्रोटेस्ट का पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन पर कुछ ना कुछ लाजमी फ़र्क पड़ेगा, कोई एक्शन वो लेंगे। तो सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर वो इसमें शामिल हो सकते हैं तो लाजमी शामिल हों, अपना हिस्सा डालें, ताकि पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन को इस हवाले से कोई शर्म आए और वो स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ के साथ बर्ताव करें। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपडेट हुआ वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो फाइनली जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।